हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू पर। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं पनाबी डॉट इन या फिर पनाबी डॉट स्टोर वेबसाइट का। दोनों एक ही वेबसाइट है, इन्होंने ना भी नाम चेंज कर दिया है। और आज हम आपको बताएंगे क्या इस वेबसाइट पे आपका रिटर्न या रिफंड होता है, या फिर आपने जो पे किया है आपको रिटर्न या रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और किस तरह से वेबसाइट काम करती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और वीडियो को आखिरी तक बिना स्किप करे हुए देखेगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा किस तरह से वेबसाइट काम करती है। और बढ़ते हैं आगे, बताते हैं इस वेबसाइट के बारे में। आप देखिए, आपने यहाँ से कुछ भी ऑर्डर किया होगा, देखिए बहुत ही सस्ता है, नो डाउट आपने यहाँ से कुछ ना कुछ ऑर्डर किया है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये देखिए, जो सोफ़ाज़ हैं सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कितनी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव चीज़ें इसमें डली हुई है, और जो प्राइजेस है बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये बोल लीजिए कि ये अमेज़ॉन की तरह ही है। और जो मेन चीज़ है इसमें जो लोग ऑर्डर करते हैं वो ये है सोफ़ा, ठीक है। ये फोल्डेबल सोफ़ा है, देख के ही कोई भी जिनको इस वेबसाइट के बारे में आइडिया नहीं है तो कोई भी क्लिक करता है और एक्साइटमेंट में पे कर देता है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से अगर आपने पे कर दिया है तो आप क्या आपका रिटर्न और रिफंड नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो ये देख लीजिए, सोफ़ा जो हम लोग आपने उनने जो पे किए जिसके लिए, तो सोफ़ा नो डाउट बहुत एक्सपेंसिव है यार, मतलब आपको देख के समझ आना चाहिए कि यार इतना सस्ता कैसे पॉसिबल है। तो आपको रिसर्च पहले ही कर लेना चाहिए था। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इनके कॉन्टैक्ट की बात करूँ कि इनके कॉन्टैक्ट में क्या क्या है, मतलब देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने जैकेट भी है, सारा प्रोडक्ट है इनके पास। मैं सारी चीज़ तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, जल्दी से क्विक लुक लेता हूँ। कॉन्टैक्ट अस में अगर मैं क्लिक करूँ तो इनसे हम कॉन्टैक्ट किस तरह से कर सकते हैं, तो ये देखिए, इन्होंने सिर्फ कॉन्टैक्ट के नाम पर एक ईमेल एड्रेस दिया है, panabi.in@gmail.com। और ये भी चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी हमें गारंटी नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे अगर आपने पे कर दिया है भाई आपका रिटर्न और रिफंड नहीं आने वाला। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम आप पे जा सकते हैं, गूगल पे आप टाइप कीजिए कंज्यूमर फोरम कंप्लेंट, वहाँ पे आपको उसका वेबसाइट खुलेगा। आप वहाँ जाके आपका सारे डिटेल और सारी चीज़ें बता सकते हैं, वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, किस तरह से आपका फ्रॉड हुआ है। और दूसरा तरीका ये है कि आपके नज़दीक भी कोई पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर अभी नया अभी सब जगह जो है ना साइबर क्राइम की जो है ब्रांचेस खुली है, मतलब वहाँ पर एक साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट होता है, आप उनके पास जाके अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं कि आपके साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है। और ये दो तरीके हैं उनकी ऐसी वेबसाइट्स के बारे में कंप्लेन करने का। और तीसरा तरीका यह है, जहां से आप जब गूगल क्रोम पे या कहीं भी खोलेंगे तो साइड में यहां ऑप्शन आता है, तो यहां पर आपको राइट साइड में एक रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, रिपोर्ट का, ठीक है। जब आप अपने नेट पे खोलते हैं, आप लैपटॉप पे खोल रहे हैं या फ़ोन पे खोल रहे हैं, रिपोर्ट का ऑप्शन आता है यहाँ पर, आप उस वेबसाइट की रिपोर्ट कर सकते हैं। तो गूगल को भी मालूम पड़ जाता है कि फेक और फ्रॉड वेबसाइट है। तो ये तीन तरीके हैं आप कंप्लेन करने के। और अगर आप रिटर्न रिफंड चाह रहे हैं सोच रहे हैं तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, आपको पहले ही थोड़ा सा माइंड लगा के सोचना था कि इतना सस्ता कैसे पॉसिबल है, और ये आपके पैसे बच जाते थे अब तक। तो अपना ख्याल रखो दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।